सीटों पे आगे चल रहा है 272। अभी धीरे धीरे आप तक भी खबर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में 45 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे है और मजबूती से आगे है। ऐसा नहीं कि 1-2 हजार वोट से आगे है, कहीं 18 हजार वोट से आगे है, तो कहीं 12 हजार वोट से आगे, कहीं 14 हजार वोट से आगे। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और जो एग्जिट पोल बनाए जाते हैं ड्राइंग रूम में उनको भी नकार दिया है। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अब जनता की सरकार आने वाली है। जनता ने अपनी सरकार को चुना है, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। अब वो उसके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है कि मतलब हमने एक आंकड़े दे दिया कि प्रतिनिधि चुन लिए गए। तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता को समझ में आया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है। थोड़ा इंतजार भी करेंगे, अभी 3-4 राउंड का ही हो रहा है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यही स्थिति रहेगी और आप कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, हम आभारी रहेंगे उनके।